साल 2020 के ईद के मौके पर भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और राधे फिल्म को लेकर एक लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा जैसे बड़े कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे, लेकिन राधे फिल्म में एक साउथ के जाने माने सुपरस्टार की भी एंट्री हो चुकी है और ये साउथ का कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है, ये बाहुबली फेम कालकिया है। जी हाँ, आपने बाहुबली फिल्म में कालकिया को देखा होगा। अजीबोगरीब भाषा और खुखार वेश में कालकिया को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और आपको बताना चाहेंगे कि राधे फिल्म में इस एक्टर की एंट्री हो चुकी है। सलमान खान के साथ फिलहाल इस एक्टर का क्या किरदार होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन राधे फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारी तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर यह अभिनेता सलमान खान के साथ नजर आ रहा है। बाहुबली का ये खुखार विलन का असली नाम है लबी पज्जी और लबी पज्जी की हाइट करीब 6 फुट 8 इंच की है। अपने कदकाठी की वजह से वो हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। हालांकि अब भाईजान सलमान खान के फिल्म राधे फिल्म का हिस्सा बनने के बाद वो अपने आप को काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला है। बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म में काम करने के बाद सलमान खान के साथ उनका नजर आना कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है वो भी अपने आप को काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं सलमान के साथ काम करने को लेकर। लेकिन ऐसे में दोस्तों देखना वाकई दिलचस्प होगा कि लबी पज्जी का क्या किरदार होने वाला है सलमान खान के अपोजिट, क्योंकि राधे फिल्म साल 2016 में आई कोरियन फिल्म आउटलॉस का हिंदी रीमेक होने वाली है। इस फिल्म में हमें सलमान खान के ताबड़तोड़ एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस फिल्म में एक्शन को शूट करने के लिए कोरियन स्टंट टीम को हायर किया जाएगा और सलमान खान ने ये खुद फैसला लिया है। सलमान खान के मुताबिक वो इस फिल्म के स्टंट में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। नतीजन कोरिया से एक स्पेशल टीम बुलाई जाएगी इस फिल्म के स्टंट सीन को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों इंतजार किया जा रहा है अब इस फिल्म से जुड़े लबी पज्जी के किरदार को लेकर कि सलमान खान के साथ उनका क्या किरदार होगा। ऐसे में दोस्तों इस खबर पर आपको क्या कहना है कमेंट कर सुझाव अपना जरूर दें।